तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी पे बेस्ड फिजिकल रिलेशनशिप, फेक लव, किस तरीके से आप लव में पागलों की तरह बिहेव करते हो, वो सारा कुछ आज हम समेट करके इस वीडियो में लेकर के आए हैं। ये जिनकी स्टोरी है उनसे मैंने कंसल्ट लिया है कि क्या मैं आपकी स्टोरी यूज कर सकता हूँ विदाउट आपका नाम यूज किए हुए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज बहुत सारे लोगों की है। तो क्या आपकी जिंदगी में भी तो ऐसी चीजें नहीं चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किया है, ओके। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी दिख रही है, यहां पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहां पे मैं डेली लाइव आता हूं, आप मेरे साथ वन टू वन कनेक्ट हो सकते हो और आपकी जो भी बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ओके मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप स्टोरी सुनेंगे और उसके बाद हम स्टोरी को डिकोड भी करेंगे कि स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है, कहां पे क्या चीज करना चाहिए था, जो गलती हुई और जो हम मैक्सिमम टाइम पर कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है एक लड़की की, ध्यान से सुनिएगा कि मैं 1.5 साल से रिलेशनशिप में हूं, वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मैं उसके लिए सब कुछ हूं, और कभी कभी ऐसे बात करता है जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं उस इंसान के लिए, मैं मर जाऊं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना वो मुझे छोड़ता है और ना ही ठीक से रहना चाहता है। मैंने बोला कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो छोड़ दो मुझे, लेकिन ऐसे डेली डेली लड़ाई होती है तो उससे अच्छा मेरे साथ रहो ही मत, क्यों रहते हो। वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा और हर टाइम फिजिकल होने की बात करता है। पहले टाइम जब उन्होंने मुझसे बोला फिजिकल हो जाओ तो मैंने मना कर दिया, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं फिजिकल नहीं हो सकती हूँ। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया, वीडियो कॉल पर अभी सेक्स करने को बोलते हैं, मुझे हर बार हर टाइम रुपये के लिए बोलते हैं, रुपये लेते हैं और सेक्स के लिए बोलते हैं। जब मैं मना कर देती हूँ तो बात नहीं करते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी तो मैंने 5-6 दिन बात नहीं किया, फिर उनको पता चला मैं घर आ रही हूँ तो 2 दिन पहले ही उन्होंने मेरे से खूब अच्छे से बात की और बोले कि मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बहुत बार माफ़ कर चुकी हूँ, कुछ दिन ठीक रहता है फिर लड़ाई होने लगती है बात बात पर। अभी मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होगा, बोले मुझे सेक्स करना है तो मुझे लगा कि अब ये कुछ नहीं करेंगे, सब ठीक हो गया है, तो मैंने सेक्स के लिए थोड़ा मुझे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो हो गया। आज और कल नाइट में फिर वैसे ही करने लग गए, उसके बाद मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये स्टोरी आपने समझ लिया होगा, स्टोरी सुन लिया होगा और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी कि कहां पे प्रॉब्लम आई, कहां पे क्या चीजें हुई। तो चलो डिकोड करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप है, 1.5 साल से रिलेशनशिप में है और कोई इंसान कभी बहुत अच्छे से बात करेगा और कभी ऐसा लगेगा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं, बोलेगा मर जा तेरे से फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं है मुझे कुछ। तो एक ऐसा रिश्ता जिसमें कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाया जाए और कभी आप क्या हो फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रिश्ते की हकीकत नहीं है। रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए। अगर एक रिश्ते में आपको ऐसी चीजें दिख रही हैं कि कभी इंसान पागल हो गया आपके पीछे और कभी इंसान ऐसे पागल हो गया है कि तू भाड़ में जाए फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे इंसान साइको टाइप के इंसान है। ऐसे इंसान से दूरी बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके साथ कब अच्छा कर जाएंगे, कब बुरा कर जाएंगे, यू कैन नॉट नो। आप जान भी नहीं सकते कि वो कब क्या कर जाएंगे। तो ऐसे साइको इंसान से तो दूर ही होना चाहिए, क्योंकि मे भी कभी आपको बहुत इज्जत की, बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत केयर की जरूरत हो और उस इंसान का उस टाइम पे मूड खराब हो या उस टाइम पे वो इंसान आपके साथ अच्छे से बिहेव ना करे, क्योंकि वो तो उसकी अपनी साइको है, जब ये दिल किया तो विवाद करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ऐसे रिश्ते में अगर दिख जाए तो वहीं पर आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेना चाहिए कि कभी बहुत ज्यादा और कभी कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, ना ही मुझे छोड़ते हैं और ना ठीक से रहने देते हैं, बोलते हूँ कि मेरे साथ खुश नहीं हो तो छोड़ दो, डेली डेली लड़ाई होता है, इससे अच्छा है कि साथ ही छोड़ दो। तो अगर किसी रिश्ते में रह करके आप डेली डेली लड़ाई कर रहे हो और बोल रहे हो प्लीज अगर तुझे मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दे, वो इंसान क्यों छोड़ दे तुम्हें, उसे तो अच्छा लग रहा है ना, वो तो लड़ाई करते हुए भी उसे मजा आ रहा है, उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारे साथ, वो क्यों छोड़ दे। हम क्यों दूसरों से उम्मीद करते हैं कि तू मुझे छोड़ दे। अगर किसी इंसान का साथ हमें अच्छा नहीं लगता है तो क्या हम अपनी लाइफ के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं? हम क्यों ये सोचते हैं कि कोई और छोड़ दे हमें? हम क्यों विक्टिम बनना चाहते हैं कि नहीं उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं रोऊंगी बैठ के? क्यों मैं अपने लाइफ के लिए डिसाइड नहीं कर सकती हूं कि अगर कोई इंसान है जो मेरे साथ गलत कर रहा है या जिस इंसान के साथ हो करके मुझे बिल्कुल बुरा फील हो रहा है, हर दिन मैं लड़ रही हूं, मर रही हूं, क्यों रहूं मैं ऐसे इंसान के साथ? इतनी मेरे अंदर तो हक होनी चाहिए मेरी। तीसरी चीज, वो मुझे शादी भी नहीं करेगा और हर टाइम फिजिकल होने की बात करता है। अब एक इंसान है जो शादी भी नहीं करेगा, फिर तुम उस इंसान के साथ किस इंटेंशन के साथ रिश्ते में हो? क्या तुम सोच रहे हो कि वो इंसान थोड़े टाइम के बाद शादी कर लेगा?
उसने पहले ही बोल दिया है कि वो शादी नहीं करेगा, पर फिजिकल तुम्हारे साथ होना है। अब तुम्हारे अंदर जगह अगर थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो तुम ये बोलती, यार ये इंसान तो शादी तो करने को बोल नहीं रहा है, ये मेरे साथ फिजिकल होने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इंसान बस और बस मेरा यूज करना चाह रहा है, मुझे इतना समझ आना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो नहीं आएगा समझ, क्योंकि तुम तो प्यार में हो ना, प्यार में हो तो कैसे मना कर सकते हो। तो तुम्हारे रिश्ते बनाने की हकीकत तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम रिश्ते बना क्या रहे हो। तुम केवल टाइम पास के लिए बना रहे हो, मजे के लिए बना रहे हो, तो ठीक है, फिर तो तुम सब कुछ करोगे, वो भी सब कुछ करेगा। और मतलब तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना उस इंसान से पूरी जिंदगी जीने के लिए। तुम एक रिश्ता बना रहे हो, बार बार ब्रेक हो रहा है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर भी उस रिश्ते में रह रहे हो, किस बेस पर? अगर तुम एक रिश्ता बना रहे हो एज कैजुअल कि यार मैं ऐसे रिश्ता बना रहा हूं खुश होने के लिए, तो भी तुम ये रिश्ता ठीक नहीं है, तुम लड़ मर रहे हो डेली। ऐसा रिश्ता ठीक है क्या? नहीं। अगर तुम मजे के लिए भी हो तो भी ये रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और जेन्युइन हो तो ये रिश्ता जेन्युइन है ही नहीं। आगे बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम मुझसे बोला फिजिकल हो जाओ तो मैंने मना कर दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं फिजिकल कैसे हो सकती हूं। तो मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया था, तो ऐसा तो आपसे उसने पहली बार जब बोला तो आप उस इंसान के सामने कैसे पहुंच गए, शनि की आप उस इंसान से मिलते थे जाकर के, और ऐसे स्पेस में जाकर के आप मिले होंगे जहां पर सेक्स करना पॉसिबल था उस इंसान के लिए, तब तो उस इंसान ने जबरदस्ती किया। पब्लिक प्लेस पे तो आई थिंक आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता, जबरदस्ती शायद हक किसी भी नहीं करता सेक्स की, तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो इंसान आपके साथ ऐसे जा रहा है रिश्ते में, ऐसी चीजें कर रहा है, इट मीन्स आप प्राइवेट जगह पर उस इंसान से जाकर के मिल रहे हो। तो अगर एक रिश्ते की कोई हकीकत नहीं है, एक रिश्ता हमारे लिए बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, उसके साथ हम लड़ लड़ के टॉक्सिक हो गए, फिर हम उससे जाके प्राइवेटली क्यों मिल रहे हैं? और उस इंसान ने आपके कंसेंट के बिना आपके साथ जबरदस्ती किया, बट आप उसे रेप के केस में तो डालोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो प्यार है, तुम तो अटैच्ड हो, और उसे रेप कहा भी नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं तुम्हारे कंसेंट कुछ लेवल पर तो होते ही, भले ही तुमने मना किया हो, बट तुम गए हो उस रिश्ते में, उस इंसान के साथ एक अटैचमेंट फीलिंग तुमने बनाई हुई है, समझ रहे हो? तो वो चीजें चल रही हैं। अब उस इंसान ने इतनी सारी चीजें हरकतें पार कर दी है, उसने तुम्हारे साथ फिजिकल हो गया, वो जबरदस्ती ही सही, और उसके बाद तुम वहां से आते हो, और उसके बाद भी तुम्हें वो इंसान चाहिए रिश्ते रखने के लिए। जैसे कि अभी मैं बात करता हूं, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा हो गया, उसके बाद क्या होता है कि वो वीडियो कॉल पर भी इनको सेक्स करने के लिए, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए जो भी होती हैं, आई नो आप सभी को पता होगा, तो वीडियो कॉल पर भी बोलता है कि ऐसे कर ऐसे कर, और उसके बाद मेरे से रुपए लेता है, और उसके दो ही काम है, या तो मेरे साथ पास सेक्स के लिए आएगा या रुपए के लिए आएगा। अब कोई इंसान अगर ऐसी चीजें कर रहा है हमारे साथ और हम उस इंसान के साथ फिर भी रहे चले जा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है, उस इंसान की है या हमारी है? वो इंसान पैसे के लिए यूज कर रहा है तुम्हें, उसका फायदा है, सेक्स के लिए यूज कर रहा है तुम्हें, उसका फायदा है, तुम्हारा क्या फायदा है? तुम क्यों पड़े हो ऐसे रिश्ते में? और अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम ऐसे रिश्ते में हो तो तुम गलत कर रहे हो यार। मेरी बुरी तरह से लड़ाई होती है, 5-6 दिन बाद फिर पता चला है कि तुम घर आ रहे हो, तो उसने फिर से तुम्हें खुश कर दिया 2 दिन बात करके अच्छे से, और तुम्हें लगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और फिर तुम मान गए कि यार चलो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक हो गया है, कर लेते हैं ना सेक्स। और अगर तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है यार, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, आई एम नोबडी टू से यू कि तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अगर एक इंसान है जिसके साथ तुम्हें सब कुछ शुरू से ही गलत 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 होता चला आ रहा है, फिर भी तुम किस बेस पर उस इंसान के साथ रिश्ते में जा रहे हो? उस इंसान के साथ तुम फिजिकल हो गए क्योंकि मुझे लगा कि यार सब ठीक हो गया। अब कब ठीक, मतलब ठीक क्या हुआ इसमें? वो शादी तुमसे करेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ रिश्ते में है नहीं अच्छे से, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी तक तो तुम्हें सुनने को रेडी नहीं था, 2 दिन तो उसने तुमसे अच्छे से बात कर लिया, यू आर रेडी यार, मजा आ गया, ये इंसान तो अच्छा हो गया, बदल गया, इसकी पूरी बिहेवियर बदल जाएगी 2 दिन में। अरे भाई चापलूसी वाली बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हो, थोड़ी तो समझ रखो अपने लाइफ में। तो ऐसी चीजें अगर हो रही हैं, आप पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए यार, क्या करना चाहिए, सोच करके कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना आप लोग क्या करना चाहिए इसमें। ऐसे रिश्ते में रहना वर्थ इट है? मतलब इसे रिश्ता भी किस बेस पे बोलोगे, टाइम पास ही तो है। तो प्लीज अगर आपके साथ भी ऐसे रिश्ते हो रहे हैं, कोई इंसान है जो तुमसे शादी नहीं कर सकता है उसके बाद भी फिजिकल होने की बात कर रहा है, प्लीज डोंट गो। कोई इंसान है जो तुमसे लड़ रहा है हर दिन तुम्हारी उस इंसान से लड़ाई हो रही है, तुम उस रिश्ते में खुश नहीं हो और बोल रहे प्लीज छोड़ दे मुझे। अरे वो क्यों छोड़ेगा, तुम छोड़ो, तुम अपनी लाइफ की क्रेडिबिलिटी लो। अगर तुम क्रेडिबिलिटी नहीं ले सकते हो अपनी लाइफ की, फिर दुनिया चलाएगी तुम्हें, ड्राइव करेगी, समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो आई होप इस स्टोरी के माध्यम से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जिसकी उनकी लाइफ इस तरह की हेल ना हो पाए, उनकी लाइफ बेटर हो सके।
ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।